आप देख सकते हैं क्लास नाइन्थ में, ये क्लास नाइन्थ को हम हाईलाइट कर रहे हैं। क्लास नाइन्थ में हमने फैक्टराइजेशन सीखा था, जैसे एज ए डमी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसको फैक्टर करने हैं। तो आपने देखा है कि यहाँ पे हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ किया है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स, जो भी मिडिल टर्म्स के हमारे रूल है जो हमने क्लास नाइन में सीखा था। फ्रॉम हेयर आई टेक एक्स कॉमन एंड फ्रॉम हेयर टू कॉमन एंड एक्स प्लस थ्री ऑल्सो कॉमन, द रिमाइंडर इज एक्स प्लस टू। ये तो हमने क्लास नाइन्थ में सीखा था। अब इसको कैसे हम क्लास टेंथ में इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए मेरे पास मटेरियल आपके लिए मैंने एक तैयार किया, वो देखिए आप किस तरीके से हमने तैयार किया। ये देखिए क्लास टेंथ की बात अब हम कर रहे हैं, जो क्लास टेंथ में हम सीखेंगे। तो इसके लिए आप देखिए, एक हमने डमी क्वेश्चन यहाँ पे लिया है सेम क्लास नाइन का, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। यहाँ पे देखिए जो पॉलिनोमियल है उसको हमने लेट कर लिया, पी एक्स में स्टोर किया है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो वर्क है आप देखिए, यहाँ यहाँ ये जितने भी वर्क है ये कॉपी है क्लास नाइन्थ की, आप देख सकते हैं जो क्लास नाइन्थ में किया था वही हमने यहाँ पे किया है। इसके बाद एक एडिशनली लाइन हमने ऐड किया है टू गेट जीरोस पी एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमें जीरो निकालना है, इसलिए हम इस पूरे जो इसके फैक्टर्स है उसको हम जीरो के इक्वल कर दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज जीरो, इट इज़ पॉसिबल ओनली एंड ओनली व्हेन ईदर एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो और एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो और बोथ आर इक्वल टू जीरो। सो वी मूव ऑन द कंसेप्ट ऑफ बोथ आर इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस थ्री, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस टू एंड इट इज़ आवर सोल्यूशन। तो जो जीरोज आर माइनस थ्री एंड माइनस टू, बस इतना ही करना है, हमने पहले ही कहा था बहुत सिंपल है। अब आपको ये कहीं ना कहीं माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इसको जीरोज़ क्यों कहते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है, तो जो आपके जीरोज आए हैं एक्स के जगह उस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे नीचे हमने एक बॉक्स बना के आपको समझाने की कोशिश किया है, पी माइनस थ्री मतलब इंस्टीड ऑफ एक्स पुट डाउन द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस थ्री। क्यों माइनस थ्री? क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस थ्री निकाला है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद जो भी प्लस माइनस स्क्वायर के रूल होते हैं, जस्ट लाइक माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, फाइव इंटू माइनस थ्री माइनस फिफ्टीन, प्लस सिक्स सिक्स, नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन, माइनस फिफ्टीन जीरो। तो जो वैल्यूज आएगी उसको पुट करने पे द रिजल्ट इज़ जीरो, डैट्स वाई इट इज़ नोन एज जीरो, वेरी सिंपल थिंग। माइनस टू पुट किए, आप देखिए माइनस टू पुट करके हमने सॉल्व करके दिखाया काउंटर चेक के लिए जीरो। तो इसका मतलब है अगर हम जीरो निकालते हैं और अगर हमें कोई डाउट है या हम काउंटर चेक करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से काउंटर चेक कर सकते हैं, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि कितने सारे जीरोज हो सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोज़ की। तो आप देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री हम लोगों ने क्लास नाइन्थ में ही सीखा था। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने यहाँ पे लिखा है आपके लिए, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यों इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिग्री, द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, द वेरिएबल इज हियर एक्स, द हाइएस्ट पावर इज टू, आप देख सकते हैं यहाँ पर टू, तो हाइएस्ट पावर जो होता है उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो हाईएस्ट पावर टू है, इसका मतलब इसके दो जीरोज़ होंगे। इट मीन्स इफ़ यू थिंक कि सर इफ़ एनी क्वेश्चन द हाईएस्ट पावर इज़ फोर, इट मीन्स ऑब्वियसली यू हैव फोर जीरोज़, आपके उसमें फोर जीरोज़ मिलेंगे। तो चूंकि इसके टू जीरोज़ होंगे तो एक जीरो को हमने अल्फ़ा कंसिडर कर लिया, दूसरे जीरोज़ को हमने बीटा कंसिडर कर लिया। तो अगर हम पहले क्वेश्चन से अगर हम इसका कंपेयर करें तो कि सर यहाँ पे अल्फ़ा बीटा क्या है, हम बोलेंगे बेटा अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस थ्री एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस टू। सिंपली अगर तीन आते हैं तो उसको अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा आर ओनली रिप्रेजेंटेटर, इसके अलावा कुछ है नहीं है। तो अल्फ़ा बीटा से हम रिलेट करते हैं। तो अब अल्फ़ा बीटा का इनके कोफिशियंट, एक वर्ड नया हम ऐड करें कोफिशियंट, कोफिशियंट किसे कहते हैं, द मल्टीप्लायर ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल का मल्टीप्लायर क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर के संग क्या मल्टीप्लाई हुआ है, ए, एक्स के संग क्या मल्टीप्लाई हुआ है, बी, एंड सी इट इज़ इंडिपेंडेंट टर्म, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो सो दे आर नोन एज कोफिशियंट, इनको कोफिशियंट, दिस वन इज इंडिपेंडेंट मीन्स कॉन्स्टेंट, परफेक्ट कॉन्स्टेंट आप कह सकते हैं। तो ये जीरोज़
और इन कोफिशियंट में क्या रिलेशन है? द रिलेशन इज सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए. बी मीन्स वॉट? बी मीन्स द कोफिशियंट ऑफ एक्स. एंड ए मीन्स वॉट? ए मीन्स द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. डेट्स वाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. एंड आफ्टर दैट अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों रिलेशन आपको याद रखना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए. अगर हम इसको स्टेटमेंट देना चाहें, हालांकि आपको समझ में आ रहा होगा, सी मीन्स द कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इट इज़ नोन एज रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट. इसी को हम लोग रिलेशन कहते हैं जीरोज और कोफिशियंट के. ओके, तो अब हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देंगे जिसके हेल्प से आप उन क्वेश्चंस का आपको जीरोज निकालना. ऑब्वियसली हम आपको क्वाड्रेटिक देंगे. क्वाड्रेटिक इसलिए जिससे कि हम थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाए. ऑब्वियसली शायद हमारे लिए ई लर्निंग या ई एजुकेशन नया नहीं है, मगर बहुत सारे बच्चों के लिए ई एजुकेशन नया है. तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम एक कमांड बनाएं कि ई एजुकेशन किस तरीके से हम ले सकते हैं. तो इसीलिए हम थोड़ी सी अपनी स्पीड को स्लो डाउन करेंगे, स्लो करेंगे इसको, और हम आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कुछ देंगे जिसके जीरोज़ आपको निकालने हैं. ओके, देन आई होप कि यू अंडरस्टैंड. आपको पता चला है कि कैसे जीरोज़ आप निकालेंगे, किस तरीके से उनके कोफिशियंट को आप निकालेंगे. तो आज के लिए इतना ही. घर में रहिए, सेफ रहिए. Good day.